नमस्कार दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर डेविड वार्नर का बड़ा बयान। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप डेविड वार्नर को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना वायरस के कारण फिलहाल किसी भी देश में क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है और भविष्य में होने वाले आईसीसी के बड़े आयोजन पर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। ऐसे ही एक आईसीसी का बड़ा आयोजन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन इस वर्ष 18 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी इसके आयोजन पर कुछ स्पष्ट नहीं है और मौजूदा हालात को देखते हुए इसके स्थगित होने की संभावनाएं अधिक है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर को भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तय शेड्यूल के अनुसार होना मुश्किल है। डेविड वार्नर ने ये बात रोहित शर्मा के साथ लाइव इंस्टाग्राम चैटिंग पर की। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा लेगी। इसको लेकर डेविड वार्नर ने कहा कि सभी को एक साथ लाना मुश्किल होगा। कोरोना वायरस एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है और कोई देश इस स्थिति में अपने खिलाड़ियों को विदेश में खेलने नहीं देगी। कोरोना वायरस के कारण सभी देशों ने फिलहाल के लिए सभी विदेशी उड़ानों को रोक दिया है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के अनुसार तो टीमों को मैनेज करना आसान है, लेकिन दर्शकों को मैनेज करना नहीं। तो दोस्तों आपके मुताबिक क्या आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना।